नमस्कार मित्रों, अभिनंदन है आप सभी का टुडे के शाम वाली शिफ्ट में एनालिसिस में। जी हाँ मित्रों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 की जो पर डे आपको रेगुलर शिफ्टों का एनालिसिस किया जा रहा है उसी में आप सभी का अभिनंदन है। तो पेपर छूट चुका है विद्यार्थियों का, चर्चा करेंगे कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, आपको सारी चीज़ों पर उस पर चर्चा करेगी प्रत्येक विद्यार्थी से। तो हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर का जो है छूट चुका है और टाइमिंग हो चुकी है, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं, विद्यार्थी धीरे धीरे निकल रहे हैं, ठीक है। उनसे चर्चा करेंगे पेपर का लेवल किस तरह रहा है, कहाँ से पेपर आया है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं। आ जाइए आप, आ जाइए। हाँ सर आएंगे, बताएंगे पेपर कैसा रहा आपका। नीचे पेपर बहुत हार्ड आया था। किसका? बहुत कठिन आया था पेपर, शिफ्ट का कठिन रहा था। अच्छा, जी एस कैसी रही थी बता पाएंगे? जी एस तो सही आई थी थोड़ी, लेकिन मैथ ज़्यादा आई थी। मैथ की तरह बहुत बहुत धन्यवाद सर इनका, जिससे सुन पा रहे हैं पेपर थोड़ा लेवल इसका इस बार का पेपर इनका लेवल का जो है टफ आया है, ठीक है। रीजनिंग, अच्छा आओ इधर। हाँ तो बताएंगे रीजनिंग के। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट इतनी लेंथी थी, अच्छा, तो बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा एलटी थी। ओके, करंट का कोई पेपर याद है आपको? करंट का क्वेश्चन हाँ एक पूछा था, वो कौन सा था? पुरस्कार से संबंधित था? पुरस्कार से नहीं था, उनसे था। वो किससे संबंधित था? वो एक तो ये था झारखंड में सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मूल अधिकार का आया था। कौन से भाग में, कौन से पार्ट में है, भाग में, तीन भाग में शायद है ना, राष्ट्रपति से रामनाथ कोविंद के ऊपर था और लोकसभा के ऊपर शायद एक प्रश्न ये था कि टाइम था ए और बी का, ए और बी 8 दिन कर रहे हैं तो ए ए बी से 25% अधिक कर रहा है, तो ये पूछा है कि बी कितने दिन काम करेगा, कितने दिन में काम करेगा। साइंस को याद है आपको बता पाएंगे? साइंस तो ऐसे याद नहीं, साइंस तो लेंथ है कि याद नहीं रह सकते, और एक मैथ का याद नहीं से ज्यादा है, मैथ का एक और मैथ बिल्कुल हार्ड ही हल नहीं रहे, क्वेश्चन ऐसे थे कि हो नहीं रहे वो क्वेश्चन। आपको इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, ये है कि भाई मेरा मतलब है कि भाई टाइमिंग कम है, वो जो व्यवस्था बैठा है वो ज्यादा हार्ड थी, वो नहीं बैठ रही और बैठाने में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, तो आप 100% तक नहीं पहुँच सकते। 100% अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो लेंथी प्रश्न है उनको छोड़ना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। मैथ रेज में अगर बंदा फंस गया तो उसको टाइम बहुत कम पड़ गया, टाइम कंज्यूमिंग सबसे ज्यादा, 1.5 घंटे मैथ और रीजनिंग नहीं, यानी सभी प्रश्नों को टच करना है तो जैसे प्रश्न दिख रहे हैं उनको करना होगा। सर आप बताएं, सर बताएंगे? यार प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है और एनफ टाइम था, 100 क्वेश्चन टाइम में फंसोगे ना तो आराम से कर ले जाओ। सबसे ज्यादा बच्चा तैयारी करके आए तो सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पजल से नहीं था, कोई पजल से कथन निष्कर्ष थे, तीन सवाल थे, तीन सवाल समझ में आ रही, पूछ कहां से आए वो नहीं आएंगे वन लाइनर, अच्छा उसको समझ के करना पड़ेगा, टाइम लेगा, टाइम लेगी, लेवल अच्छा पूछ रहा है। सर लेंस से 2 क्वेश्चन थे, मजा बायोलॉजी से कोई आ रहा है, कोई बायोलॉजी से लेकर के बायोलॉजी से क्वेश्चन था, बायोलॉजी से यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, और उत्तल लेंस अवतल लेंस पूछ रहा है, फोकस दूरी पे रखे हैं आप, वक्र तंत्र पे काम कर रहा है, उत्तल दर्पण लेंस दोनों पूछे जा रहे हैं। ओके सर आप बताएंगे आपका पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक रहा, कठिन पेपर था। अच्छा पेपर कठिन था जी, पेपर आपको कठिन कौन सा सब्जेक्ट लगा जरा बताएंगे? वो सब उसमें मिक्स में क्वेश्चन थे, मैथ बहुत कठिन था, मैथ बहुत कठिन बता रहे हैं सर, ठीक है। ओके अच्छा मैथ का जो सर बता रहे हैं, मैथ रीजनिंग जो प्रैक्टिस किया होगा वो आराम से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा, हाँ प्रैक्टिस, और क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न आ रहे हैं जैसा देख पा रहे हैं, और जीएस तो भाई, अच्छा साइंस और जीएस के प्रश्न थोड़ा सा टफ आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको मैनेज करना है, साइंस के टू द माइंड आपको मैनेज करना है, प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, किस तरह अटेम्प्ट करना है उसी समय फोकस करते हुए। सर आप बताएंगे पेपर कैसा रहा आपका? ये बढ़िया हो, पेपर बढ़िया रहा था, कोई याद है जैसे करण से कोई प्रश्न याद है आपको? चोरी चोरा कांड पूछा गया था, किस सन में हुआ था, घटना पूछी गई थी या शेर से? 1922 पूछी गई थी। और बताएं, और ये
करंट तक काफी था 2022 का ही था। 22 के ही थे, 22 जनवरी से जुलाई तक, मार्च तक था, मार्च तक था। हाँ मार्च तक याद है आपको करंट? मार्च का याद तो नहीं लेकिन मार्च तक का था। ओके मार्च तक था। जीएस का कोई प्रश्न याद है? हिस्ट्री से लेकर साइंस वाट तक। साइंस आप बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर इनका। जैसे कि आप बता पा रहे हैं साइंस का लेवल इस शिफ्ट में थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, ठीक है। विद्यार्थी जिस तरह देख पा रहे हैं, कोई विद्यार्थी 71 अटेम्प्ट कर पा रहा है, कोई 81, और यदि आपको 100 प्रश्नों को छूना है यानी कि टच करना है तो आपको जो टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न आ रहे हैं जैसे कि रीजनिंग के आ रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ बताएं सर, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर रहा बहुत एकदम मस्त रहा था। कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने 100 पूरे। इन भैया को बहुत बहुत बधाई दीजिए, ठीक है। इनके द्वारा 100 को अटेम्प्ट किया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन सर का, इनके द्वारा 100 को अटेम्प्ट किया गया है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अच्छा सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं। सर आएंगे जरा, बताएंगे कैसा रहा पेपर आपका? बताएंगे सर, चलिए आ जाइए सर। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर कैसा रहा था आपका? पेपर अच्छा रहा, बट मैथ्स का लेवल थोड़ा बहुत ठीक था, पर जीएस का लेवल काफी अच्छा खासा था। और रीजनिंग टाइम टेकिंग थी, रीजनिंग में काफी टाइम लग रहा था, बहुत ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेट तमाम भी उसमें क्वेश्चन लग रहा था। साइंस में आउट ऑफ सिलेबस था, एनसीईआरटी का आया नहीं था। एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं आया। मैं समझता हूँ 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी आया, पर कोई क्वेश्चन नहीं आया। जिसने प्रॉपरली प्रिपरेशन करी होगी वही उसको टेस्ट कर पाएगा, बाकी तो नहीं। डेली टू डेली जिसने सजेशन देना पाएंगे आने वाली शिफ्टों में आपको किस तरह आगे आने वाली शिफ्टों में सबसे पहले रीजनिंग में वो क्वेश्चन किए जाए जो टाइम टेकिंग हो, जैसे की अल्फाबेटिकल क्वेश्चन हो और आपके ये जीएस ले लो। जीएस में 2022 की जो आप जीएस काफी अच्छी होनी चाहिए। मैथमेटिक में का लेवल ही काफी अच्छा होना चाहिए। और तीसरा चौथा सब्जेक्ट क्या निकला अपना? फॉर्मुला बेस्ड थे, जैसे कि लेंस, लेंस में 4 क्वेश्चन आए थे, लेंस में 4 क्वेश्चन आए थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। आवर्धन क्षमता के भी आए थे, आवर्धन क्षमता के क्वेश्चन आए थे, वो भी आए थे। बायोलॉजी से भी आए थे, जंतु जगत के भी आए थे, कोशिकाओं को लेकर आए थे, आए थे काफी, मतलब अनुवांशिकता से नहीं आया। दो प्रश्न आपके बैंकों के विलय से लेकर एकीकरण से लेकर बिल्कुल चलिए इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको काफी जानकारी दे दी है प्रश्नों की इनके द्वारा, ठीक है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, काफी अच्छा पेपर रहा है। लेवल भी इस शिफ्ट का जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पर शिफ्ट में जो है लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, तो आपको विशेषकर सभी टॉपिक को ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और किस प्रश्न को छोड़ना है, ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। सर आप बताएंगे पेपर कैसा रहा था आपका? लेवल अच्छा था और ग्रुप डी के हिसाब से वैसे नहीं है और घुमाव क्वेश्चन है, घुमाव क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन, टाइम टेकिंग है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और पीछे वाले क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, जैसे ज्यादा लेंथी है तो हाँ वो छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा स्कोर, आपका स्कोर कितना रहा सर बताएंगे? 70। ओके 70 स्कोर रहा है सर का, चलिए काफी अच्छा स्कोर रहा है इनका। चलिए तो और सर से चर्चा करते हैं कि किस तरह के प्रश्न है, सभी से चर्चा करते जाएंगे और इनको आप टॉपिक को एक विशेष का ध्यान रखें कि आने वाली शिफ्टों में किस तरह आपको मैनेज करना है टाइम को और कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसे छोड़ना है, ये सारी चीजों को विशेष ध्यान रखना है आपको। हाँ सर आएंगे जरा, बताएंगे आपका पेपर कैसा रहा? पेपर बढ़िया है, ठीक रहा था आपका पेपर? सर सामने आ जाए। ओके चलिए इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, पेपर इनका ठीक रहा है, ठीक है। जिस तरह आपको प्रैक्टिस यानी कि जिस तरह आप सेटिंग अरेंजमेंट में, आप कथन निष्कर्ष में, रीजनिंग में, सीढ़ी में लेकर के जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगा सकेंगे उतना ही आपका टाइम बचा पाएंगे, अन्यथा आप टाइम कंज्यूमिंग बहुत ले जाएंगे और 100% टच नहीं कर पाएंगे। इसलिए विशेषकर टाइम का ध्यान रखना है कि टाइम टेकन जो प्रश्न है उनको पहले इग्नोर कीजिए, अगर समय बचता है तो ही आप उनको द्वारा कीजिए, ठीक है। बाकी सभी प्रश्नों पर टच करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपका बेहतर स्कोर बन पाएगा और आप मेरिट लिस्ट में भी आ पाएंगे, ठीक है। आ जाइए सर, बताएं जरा आपका पेपर कैसा रहा था? चलिए बहुत अच्छा रहा इनका पेपर, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सर का कि पेपर इनका भी काफी ठीक रहा है। ठीक है जी हाँ, तो जिस तरह आप समझ पाएं देख पाएंगे किस तरह शिफ्टों का एनालिसिस आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं, करंट आपकी पूछी जा रही है जनवरी 2022 से लेकर के जुलाई तक पूछी गई है। ठीक है, और जीएस के प्रश्न आपके इकोनॉमी से कुछ प्रश्न बने हैं, और साइंस जैसा कि लेवल शिफ्ट कर रहा है कि थोड़ा सा खतरनाक रहा है जिस तरह विद्यार्थी बता पा रहे हैं। ठीक है मैम, चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपकी आज की एनालिसिस में। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।